इतना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। बस आपका नाम बताइए। इमरान चौहान। क्या पूरी जानकारी आप दीजिए। ये मेरे पास में खबर आई है कि तुमने शैलेंद्र सिंह पवार की सुपारी ली है, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने ये चीज कल कलेक्टर साहब को आवेदन भी दिया कि साहब इसमें मेरा कोई रोल नहीं है और ये काम है शाकिर चाचा का, और हर जगह नाम मेरा उछालना ये है। मैंने कल कलेक्टर साहब को दिया। कहाँ पर दिया है? इंदौर कलेक्टर साहब को, कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है और शैलेंद्र पवार साहब से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मैंने किसी भी प्रकार की कोई सुपारी नहीं ली है। 10 महीने पहले मैं जेल से छूटा था, जब चाचा ने मेरे से बोला था कि भैया बहुत बड़ा काम ले रहा अपन देवास का, उसमें कई लाला ऑन इंटरफेयर है अपना उनका, और देवास के कुछ बड़े लोग है देवास में, जैसे उनने नाम लिया था कि हाथी वाले अपने साथ देंगे। ना मेरी कभी हाथी वालों से मुलाकात हुई है, ना मैंने कभी उनसे मिला, ना बात करी है किसी विषय में। जो भी ये करता रहता शाकिर चाचा है, मेरा किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। कौन है शाकिर? शाकिर चाचा गैंगस्टर है जिनके साथ मैं रहता था। मैंने एक दो केस भी किए हुए उनके साथ में, मैंने उनका साथ छोड़ दिया। और वो लोग और उनके गैंग वाले ये देवास में सक्रिय है 1.5-2 साल से। अच्छा, कौन देवास के किस व्यक्ति ने जो है ये सुपारी दी? ये तो मैं नहीं, मेरे को सुपारी किसी ने नहीं दी है। ये जो सुपारी का लेन देन है सब शाकिर चाचा ही बताएंगे। किसका नाम सामने आया देवास के? देवास का सिर्फ एक हाथी वाले का नाम सामने आया, और वो लालाओं के मार्फत से। कौन से लाला? इंदौर के लाला जो है उनके माध्यम से। इंदौर में लाला नहीं, नागदा, खचरो, निम्बाड़ा, चित्तौड़, ये राजस्थान बेल्ट के लालाओं ने उनके संपर्क से इसका संपर्क। कहीं ना कहीं देवास में जो है बड़ा बड़ा हादसा करने को शैलेंद्र सिंह पवार को मतलब मारने की प्लानिंग है जी। तो इसमें मेरा नाम आ रहा था, तो मैंने ये खुलासा कर दिया कि मेरा किसी भी प्रकार से किसी भी कोई उससे लेना देना नहीं है। कितने में सुपारी गई थी ये? सुपारी तो बड़े लेवल से थी कि उसमें ये बोला था कि अपन सब बड़े पैमाने पे बन जाएंगे, लेकिन उस बीच में मेरी इनसे विवाद हो गया कि मुझे ये काम करना ही नहीं, किसी प्रकार की कोई हत्या में कोई किसी प्रकार में किसी इन्वॉल्व होना ही नहीं है। कहीं ना कहीं अपराध छोड़ चुके हो आप? अपराध छोड़ के सब चीज खत्म कर दिए, और किसी ना किसी केस में इसी चक्कर में वो उलझाते रहते मुझे। हाथी वाले कौन है, उनका नाम मालूम है आपको पूरा? हाथी वालों का बस हाथी वाले बोलते उन्हें देवास के। हाँ, अंसार हाथी वाले बोलते उन्हें। उनसे मेरा ना कभी मुलाकात हुई है, ना मेल मिलाप हुआ। जो कुछ है, जो कुछ जानकारी दे सकते हो पूरी शाकिर चाचा के अंडर में हो वही दे सकते हो। क्या क्या कहां के है शाकिर चाचा? क्या हाल है? इंदौर की गैंगस्टर है। गैंगस्टर है? हाँ, यहाँ टोक खुर्द में कहीं पे फरारी भी काटते किसी के फार्म हाउस पे जी। पहले भी अपराधों में लिप्त है? अपराध तो बहुत सारे उनके ऊपर, और उनका अक्सर यही काम है सुपारी लेने का। रीवा जेल में भी सुपारी लेके कांड करवा दिया था उन्होंने। जीतू बाबा का कांड भी सुपारी लेके करवा, उसके लड़के का कांड भी। अक्सर उनका काम ही यही है, और कुछ ऐसा अगर उनको लगता है कि कुछ फाल्ट होता है तो मेरे ऊपर ढोल देते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि अभी आपने सुपारी लेने से मना कर दिया, तो इसमें आपके ऊपर भी तो कुछ चीजें हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं है तो आप... ये तो मेरे ऊपर हो ही रही थी ना। आपकी जान में ये चीज सामने आके नहीं बोलता तो उनका तो ये लेना है कि हिंदू नेताओं को मारो, तो इसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है ना। मैं किसी भी प्रकार में क्यों लूंगा, मतलब आपके माध्यम से, वो आपके नाम के माध्यम से ऐसा कृत्य करने। मेरे को भी हर इंसान जानता है जी। तो इस प्रकार से उनका ये सोचना है कि काम में करवा दूं, दुश्मनी इसकी हो जाए, मरे तो ये मरे और मारे तो ये मारे और जेल हो तो इसको हो। और मैं सब केसों में बरी हो चुका हूं, मेरा किसी भी प्रकार से किसी भी चीज में कोई लिप्त नहीं हो। कुछ आपको अमाउंट बताया सुपारी कितने की उठाई इन्होंने? मेरे दोस्तों के मार्फत से ऐसी खबर थी कि बस इन्होंने वहां से 20 लाख रुपए लिए किसी से देवास से। अब ये कंफर्म, क्योंकि मैं 10 महीने से साथ में ले नहीं रही हूँ। मेरे को इन्होंने बोला था कि अपन बड़ा काम ले रहे हैं, बड़ा काम करेंगे, अपन ने मना कर दिया। बड़ा काम और बड़े काम की वजह से ही बड़ा काम हो जाए और उसमें उलझन मेरी हो जाए, तो मैंने इनसे विवाद हो गया कि मुझे तुमसे लेना देना नहीं है। अच्छा, देवास वाले ऐसा क्यों करवाना चाहते थे, किस कारण से? अब ये तो वही बता सकता है जो कुछ है। आपकी बातचीत वगैरह हुई हो तो कभी? मेरे किसी भी प्रकार से किसी भी से भी बातचीत नहीं हुई है, ना कोई जो सुपारी लेने देने वाला है उनसे किसी, जो भी बातचीत करना का काम था वो काम करता हूँ, शाकिर चर्चा करता हूँ। 10 महीने से मैं उसके साथ नहीं दे रही हूँ। मतलब अगर अपराध होने के बाद कहीं आप फंस ना जाओ उसके कारण ये बयान दे रहे हो? इसी के कारण के मतलब कुछ केस हो गया तो उसमें मेरे ऊपर ही केस लगेगा। इस मामले में आपने शायद देवास पुलिस से भी संपर्क किया है, क्या कहना आपका? देवास एसीपी साहब का फोन आया था मेरे पास में, तो उनको मैंने फोन पे थोड़ी बहुत जानकारी दी। उन्होंने बोला कि तुम्हारा क्या है इसमें, तो मैंने उनको बोला कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मैं कलेक्टर साहब को भी आवेदन दे चुका हूँ कि मेरा किसी भी प्रकार से और किसी भी हत्या से इससे उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने बयान दे दिया देवास में? अभी नहीं दिए मैंने देवास में बयान, अभी उन्होंने टाइम दिया, मेरे को 2 बार फोन लगा चुका हूँ। तो मतलब आप जाएंगे? जाऊंगा, किसी मीटिंग में है वो। ठीक है, आपका नाम और कहाँ रहते हो पूरा बताइए। मैं इंदौर रहता हूँ, चंदन नगर अंबार नगर में रहता हूँ। इंदौर का रहवासी इमरान चौहान की सूचना पर हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि हमारे नाम की सुपारी आई है। फिर हमने वो जानकारी निकाली
तो उसने बताया कि यहाँ देवास से अंसार अहमद नामक व्यक्ति ने उसे साकिर चाचा नामक व्यक्ति जो इंदौर का रहने वाला है उसको उसने 20 लाख की मतलब उसको 20 लाख तो उसने केस दिए हैं उसकी सुपारी है और उसी के साथ साकिर चाचा के साथ में रहने वाला इमरान चौहान है जो उसको फंसाने के चक्कर में उसने कह दिया कि अरे ये लोग मुझे फंसा देंगे। इस चक्कर में उसने जो गतिविधि हुई है अभी तक इसमें के इनने सुपारी दी है इसमें बाहर के कई लोग हैं और यहाँ के अंसार अहमद इंदौर का साकिर चाचा निम्बाड़ा का सोएब और चुन्नू लाला और रतलाम की यास्मीन शेरानी और एक पीतमपुर का है वासिद उसकी होटल पे इनकी मुलाकात हुई। वहां से मक्सी रोड पर एक फार्म हाउस बना है जिस पर ये लोग जो बाहर के लोग आए थे उन लोगों को उनने रुकवाया है और उसके बाद जो षड्यंत्र था कि इनका अब इन लोगों से अपने वो काम करवाना है और उसमें कई हमारे समाज हिंदू समाज के भी जयचंद जुड़े हुए हैं जो इस घटना को अंजाम देने के लिए देवास में आए हुए थे। क्या इस मामले में आपने पुलिस से भी शिकायत की? पुलिस अभी कल के दिन हमारी CSP साहब से मुलाकात हुई थी और उनने बताया था और उनको हमने पूरी जानकारी दी है कि इस प्रकार के मुस्लिम वर्ग के जो कट्टरपंथी लोग हैं और ये जो काजी वाला विषय हुआ था अभी कुछ समय पहले जिसमें एक काजी ने फायर किया था एक हिंदू वर्ग के व्यक्ति पर और उसी विरोध में इन बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था। इस कट्टरपंथीता को लेकर इन लोगों ने हम पर जान से मारने की सुपारी दी है। क्या लगता है आपको इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश भी होगी? बड़ी साजिश सीमी संगठन वगैरह जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उस प्रकार का जो इनकी जो फंडिंग होती है जैसे रतलाम हुआ नीमच निम्बाड़ा हुआ मंदसौर हुआ ये राजस्थान और गुजरात बॉर्डर से रिलेटेड है और यहाँ पर रतलाम से होती है मादक तस्करी और नीमच और निम्बाड़ा साइड से होती है अपने अफीम डोडा चूरे की तस्करी। इसमें इन लोगों को कई समय से ये लोग परेशान हैं इस विषय को लेकर और जहाँ पर हम अभी देवास में हैं या हिंदू समाज के हित का और हर धर्म के हित का जो कार्य करते हैं उसमें इन लोगों को समस्या है। आपका नाम बताइए। शैलेंद्र सिंह पवार संस्था राम राम। सर एक आरोपी आया है आरोपी का मतलब जिसने जानकारी दी है सूचना दी है कि उसको एक सुपारी दी गई यहाँ पर अंसार अहमद हाथी वाले द्वारा शैलेंद्र सिंह पवार की हत्या करने के लिए। एक इमरान नाम के व्यक्ति जो इंदौर का रहने वाला है उसके द्वारा एक लिखित आवेदन कार्यालय में आकर प्रस्तुत किया गया है और इस आवेदन में उसके द्वारा एक शैलेंद्र पवार नाम के व्यक्ति की सुपारी का उल्लेख है जो उसे शाकिर नाम के व्यक्ति ने ली है ऐसा इसका कहना है जिसको और शाकिर उसके साथ से अपराधी था और उस आवेदन में जो है ना जो भी फैक्ट्स आ रहे हैं उनकी जाँच की जा रही है जाँच के पश्चात ही जो है ना इसमें कुछ आगे तफ्तीश में जो भी आएगा उसके बाद ही निर्णय किया जाएगा। सर देवासी किसके नाम दिया गया है इसमें आवेदन में? अभी वर्तमान में जो है इसके द्वारा शैलेंद्र पवार नाम के व्यक्ति के बारे में उल्लेख है और इंदौर के शाकिर चाचा नाम के एक व्यक्ति का उल्लेख है इसके आवेदन में और इस संबंध में जाँच किया जाएगा। सर देवासी किसका नाम है? एक नेता का नाम आ रहा है सर वर्तमान में इस आवेदन में कोई नाम नहीं है किसी का भी और आगे जो भी जाँच आएगी उसके बाद जो है कार्रवाई। किसकी सुपारी की बात है सर? शैलेंद्र पवार नाम के व्यक्ति का उल्लेख है सर। देने वाले का नाम? जो जिस व्यक्ति का नाम ये बोल रहा है वो इसका इसके साथ से अपराधी रहा है मर्डर के एक अपराध में 2010 के अपराध में अपराधी रहा है वो इंदौर का गुंडा है और उसकी वहाँ गैंग स्टीशीट भी है उसका नाम इसका। सर इमरान का कहना है कि 20 लाख रुपए किसी देवास के एक बड़े नेता ने जो दिए थे इस सुपारी को लेकर खुद मीडिया से मुखाबली होते हुए कहा इस संबंध में उसके द्वारा मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई ना ही आवेदन में इस बात का उल्लेख है और आगे उसके बयान लिए जाएंगे और बयान में जो भी फैक्ट्स आएंगे उनकी तस्दीक करने के पश्चात। सर जो शिकायत करने के लिए आपके पास पहुँचे हैं जो उनके पास सुपारी आई तो क्या ये भी आरोपी हैं मतलब अपराधी संगठन है? ये जो फैक्ट है ये शाकिर नाम के व्यक्ति के साथ जैसे अपराधी रहा एक अपराध में सन 2010 में 302 के अपराध में और रिसेंटली जो है एक अपराध 302 का अपराध में भी जो है ये जेल गया था उसकी 2023 में अगस्त में इसकी जमानत पुलिस जाँच करेगी और पुलिस अब जाँच करेगी इसमें क्योंकि एक आवेदन प्राप्त हुआ है प्रकृति का ये आवेदन उसकी जांच पश्चात ही कुछ आगे ठीक है।